ओह आई वॉज अप अ ट्री, मैं ट्री में था क्योंकि मेरे पास कोई टाइम नहीं था बचने के लिए, बट नॉट बिफोर द टाइगर हैड क्लॉड आउट वन ऑफ माई आईज, और टाइगर ने अचानक मेरे एक आईज पे अटैक कर दिया था। दैट वॉज वेन आई वॉज ट्राइंग टू रिस्क द साहिब, जब मैं ये रिस्क ले रहा था कि मैं साहिब को बचाने का रिस्क ले रहा था, तब उसने मेरे पे अटैक करके मेरी वन आईज को ले लिया। मीन्स मेरी वन आईज जो है उससे क्या हुई, डिस्ट्रॉय हो गई। नन ऑफ अस हैड गन्स, हम में से किसी के पास गन नहीं था। यू सी यू डोंट चेज एन एंग्री टाइगर विद अ वॉकिंग स्टिक, हम केवल वॉकिंग स्टिक की हेल्प से किसी भी टाइगर को चेज नहीं कर सकते, मतलब पीछा नहीं कर सकते। सो वी वेटेड अंटिल वी थॉट इट वॉज सेफ एंड देन वी वेंट फॉर हेल्प। सो वी वेटेड अंटिल, और हम तब तक हेल्प करते रहे जब तक हम इसे सोचते रहे कि कैसे हम सेव करें। देन वी वेंट फॉर हेल्प, तब हम वे हेल्प के लिए गए। फाउंड द मैजिस्ट्रेट साहब नेक्स्ट डे, नॉट मच वॉज लेफ्ट ऑफ हिम, और मैंने पाया कि नेक्स्ट डे मैजिस्ट्रेट साहब को नहीं पाया और वो बिल्कुल बचे ही नहीं थे। मीन्स वो अब जो साहिब थे, मजिस्ट्रेट साहिब थे, वो अब नहीं रहे। इट वॉज अ मैन ईटर ऑल राइट एंड द फर्स्ट इन दीज पार्ट्स, ये मैन ईटर थे, जो टाइगर होता है वो मैन ईटर होता है। ऑल राइट फर्स्ट दीज पार्ट्स, इस फर्स्ट पार्ट में मैंने देखा। एंड देयर वॉज कब्स एंड दे, और उनके पास जो लायन चाइल्ड होते हैं वो भी धीरे धीरे क्या करके बन जाएंगे मैन ईटर्स। एंड द हैड आस्ट रस्टी वॉज द मैजिस्ट्रेट स्टिल वेयरिंग इट, और कह रही जो रस्टी होते हैं वो पूछते हैं, जो फ्रेंड होता है रस्टी वो पूछता है कि फिर हैड के बारे में, हैड का क्या, मैजिस्ट्रेट स्टिल वेयरिंग इट, क्या हमेशा तब मैजिस्ट्रेट ने इसे पहन रखा था। नो इट वॉज लाइंग नियर द बसेस वेयर ही हैड बीन अटैक्ड, जब लायन ने उस पर अटैक किया था तो वो बसेस में गिर गई थी नीचे। लुक देयर इज स्टिल अ बिग स्क्रैच ऑन इट मेड बाई वन ऑफ द टाइगर्स क्लॉज, देखो यहाँ पे एक स्क्रैच पड़ा हुआ है जो कि बहुत डीप स्क्रैच, बहुत बिग स्क्रैच है, और जो टाइगर के क्लॉज से पड़ा हुआ है। द बॉयज केम क्लोजर टू लुक एट द हैट, इट्स वेयरर हैड नो इंटेंशन ऑफ रिमूविंग इट, जो बॉयज़ थे वो हैट के नियर आए बिकॉज जो वेयरर था उसका कोई इंटेंशन नहीं था उसे रिमूव करने का अपने हैट से, सो वो पास आए हैट को देखने के लिए। सो दे हैड टू स्टैंड अराउंड हिम टू एग्जामिन इट, और वो वहाँ पर खड़े हो गए उसे एग्जामिन करने के लिए। देयर वॉज अ बिग डेंट ऑन वन साइड, और उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा मार्क उसकी वन साइड पर है। इट कुड हैव बीन मेड बाई एनी शार्प ऑब्जेक्ट, ऐसा लग रहा था कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको बनाया गया है उस मार्क को। इट साउंडेड लाइक अ वेरी टॉल स्टोरी, और ऐसा लग रहा था कि इससे अगर मैं पूछूंगा तो वो बहुत बड़ा टॉल स्टोरी क्रिएट करेगा, स्टोरी दैट इज़ हार्ड टू बिलीव, ऐसी स्टोरी जिसे बिलीव करना मुश्किल था थोड़ा सा। बट द बॉय डिसाइड टू बिलीव इट, इसलिए बॉय ने डिसाइड किया कि वो उस पर बिलीव करेगा। यू कुड बिलीव एनी थिंग अबाउट ब्लैक हैड, अब वो कुछ भी बिलीव कर सकते थे ब्लैक हैड के थ्रू कही गई किसी भी बात पे। द डिनर वॉज अ सक्सेसफुल, अब डिनर सक्सेसफुल था। वाइल दे एट वेरियस हंग्री एनिमल गैदर्ड राउंड देम इन डार्क बट केप्ड टू द शैडोज, अब वाइल दे एट उन लोगों ने जो भी था खाया पिया, वेरियस हंग्री एनिमल्स गैदर्ड, और जो बहुत सारे हंग्री एनिमल्स उनके राउंड में, उनके अराउंड इर्द गिर्द थे जो कि डार्क में थे बट केप्ड द शैडोज, लेकिन वो अपने आप को छुपा रखे थे मीन्स छाया में। द बीस्ट वर अफ्रेड ऑफ द फायर, क्योंकि बीस्ट जो है वो फायर से डरते हैं, अफ्रेड ऑफ द ह्यूमंस, और ह्यूमन से डरते हैं, अफ्रेड ऑफ द ब्लैक हैड ऑल्सो, ठीक है। एवरी नाउ एंड देन ब्लैक हैड वुड थ्रो अ चपाती आर अ बोन इन द डार्क, और एवरी नाउ देन ब्लैक हैड आल्सो यूज द चपाती आर अ बोन इन टू द डार्क, जो वो फेंक रहे थे चपाती और बोन को डार्क में। एंड द डॉग्स वुड फाइट ओवर इट, और डॉग में इनको लेके मीन चपाती और बोन को लेके लड़ाई हो रही थी। जैकल्स वेटेड देयर टर्न, और जैकल अपने अवसर का वेट कर रहा था। द हाइना वॉज फेवर्ड विद अ मीटी बोन ऑफ द मटन, जो हाइना थी वो मीटी बोन ऑफ मटन की बहुत ज़्यादा शौकीन थी। इट अपीयर टू हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विद ब्लैक हैड, ऐसा लग रहा था कि एक स्पेशल रिलेशनशिप ब्लैक हैड का इसके साथ है। इट वेटेड पेशेंटली, वो बहुत पेशेंटली वेट करती है, लॉफिंग नाउ एंड देन कॉन्फिडेंट दैट सम टिटबिट वुड कम इट्स वे, और इतना कॉन्फिडेंटली वो लॉफिंग करती, जब तब लॉफिंग करती हुई और कॉन्फिडेंटली होके एक स्मॉल पीस ऑफ फूड को जो कि इसके रास्ते में आ ही जाता है उसका वो वेट किया करती थी। द जैकल्स वुड कम फॉर द लेफ्ट ओवर्स वंस द फीस्ट वॉज ओवर, जब फीस्ट ओवर हो जाया करता था तो जैकल्स जो बचा कुचा जो भी चीज़ें रहता था वो उसको खाने के लिए आ जाया करता था। इफ देयर वर एनी कैट्स अराउंड दे स्टेड आउट ऑफ द साइट, जब कोई उसके इर्द गिर्द कोई कैट्स पड़ती थी तो उसको भी वो साइट में देखता रहता था, घूरता रहता था। द केयर टेकर केप्ट
And kept the boys awake and with tales of treasures, witchcraft and strange happening on which mountains. अब केयर टेकर ने बॉयज को बहुत अवेक करने के लिए बहुत सारी स्टोरीज सुनाई, स्टोरीज रिलेटेड टू ट्रेजर्स, witchcraft and strange happenings on which mountains, और which mountains की जो भी happening थी, strange happening, उनके बारे में उसने black magic के बारे में, treasures के बारे में story सुनाई. There is a magic stone hidden up there, यहाँ पे एक magic stone है जो छुपा हुआ है, he said, उसने कहा. A rare jade and emerald brought from the Tibetan China by an early traveler. Jade means the bluish green precious precious स्टोन, ठीक है, अ रेयर ब्लूइस ग्रीन प्रेशियस स्टोन और एमराल्ड जो कि टिबेटन चाइना से लाया गया था एक ट्रैवलर के थ्रू. फाइंड इट एंड यू विल मेड फॉर लाइफ, और तुम्हें इसे फाइंड करना चाहिए. दैट स्टोन इज वेरी यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग ऑल्सो, दिस इज वेरी वेरी प्रेशियस टाइप ऑफ स्टोन. रस्टी एंड हिज फ्रेंड्स हैड नॉट कम ऑन अ ट्रेजर हंट, और इफ़ बट इफ़ देयर वॉज अ ट्रेजर टू बी फाउंड, वाई नॉट लुक फॉर इट. रस्टी और उसके जो फ्रेंड ने वो ट्रेजर्स हंट मीन्स जो ट्रेजर हंट था उसके लिए वो वहाँ पे नहीं गए थे. बट इफ़ देयर वॉज ट्रेजर टू बी फाउंड, लेकिन वहाँ पे जो हंटिंग के थ्रू उन्हें ट्रेजर तो नहीं मिला, बट जो ट्रेजर की स्टोरी थी वो उन्हें मिल गई और बहुत जल्दी उन्होंने सारी चीज़ों को समझ लिया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो ऑल्सो.